जो लोग नए स्टूडेंट हैं, सब सुन लें, जो लोग नए स्टूडेंट हैं वो अपने डेस्कटॉप पर जाके एक नया फोल्डर बना लें जावा। जो स्टूडेंट नए हैं डेस्कटॉप पर जाके एक नया फोल्डर बना लो जावास्क्रिप्ट। डेस्कटॉप पर जाके सब लोग एक नया फोल्डर बना लें जावा स्क्रिप्ट के नाम का। उस फोल्डर को सब लोग सबलाइम पर ओपन कर लो। सबलाइम पर यहाँ पे जाके फाइल पे जाके ओपन फोल्डर करना होता है, सब कुछ चीज़ें पता है। फाइल पे जाना है, ओपन फोल्डर करना है, डेस्कटॉप पे जाके जावा स्क्रिप्ट वाले फोल्डर को सिलेक्ट फोल्डर कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। और फिर एक बनानी है फाइल। फाइल कैसे बनाते हैं, जावा स्क्रिप्ट राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल करते हैं और कंट्रोल एस करेंगे, फाइल सेव कर दी मैंने s.html नाम से। अभी हम जो भी फाइल करेंगे वो html से ही सेव करेंगे, ठीक है। आपकी ये फाइल यहाँ पे सेव हो गई, सेटअप कर लें आप लोग जल्दी से फटाफट। सब लोग ये सेटअप कर लो, विजन होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, सी पढ़ा है, सी प्लस प्लस पढ़ा है, सुना होगा सबने नाम, जावा सुना होगा, पाइथन सुना होगा, सुनिए नाम आप लोगों ने। तो ऐसे जो क्या है ये सारी चीजें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना ये। फिर रोहित ये क्या होते हैं, हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, है ना। तो वैसे ही एक जावा स्क्रिप्ट भी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप जावा स्क्रिप्ट कर रहे हो ना तो आप दिमाग में चलना कि आपके सी के कंसेप्ट क्लियर होंगे, सी प्लस प्लस के कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपके पाइथन के कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट करने से। तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है कि जावा स्क्रिप्ट क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो मैं थोड़ी नहीं पढ़ाता, थोड़ी तो आपको यूट्यूब पे सब मिल जाएगी, गूगल पे, सिंपल सिंपल समझते जाओ। जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो किस पे काम करती है, अभी हमारे क्लाइंट साइड। कोई पूछेगा जावा स्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, क्लाइंट साइड समझते हो। पहले जावा स्क्रिप्ट को हम लोग ब्राउजर पे रन करते थे, अभी मैं जो भी कोड करूंगा ना वो कोड हमारे कहाँ रन होंगे, ब्राउजर पे रन होंगे। जैसे हमने जब वेब डिजाइनिंग सीखी तो उस वेब डिजाइनिंग के अंदर एक वेबसाइट के अंदर हमने जावा स्क्रिप्ट के कोड किए, जैसे वैलिडेशन लगाने पर, फॉर्म वैलिडेशन लगाए थे अपने, फॉर्म वैलिडेशन। अब वो फॉर्म वैलिडेशन कब काम करेंगे, जब आप एक वेबसाइट ओपन करोगे, है ना, उस वेबसाइट के अंदर जब फॉर्म भरोगे, है ना, अब फॉर्म में जब सबमिट करोगे, कोई फील्ड खाली छोड़ दोगे, तभी तो उसमें जावास्क्रिप्ट काम करेगा, है ना। डिजाइनिंग सब सीख के आए हो तो डिजाइनिंग पता होगा ना, इसलिए हम जावास्क्रिप्ट क्या बोलते हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं। जावास्क्रिप्ट का ज़्यादातर यूज़ हम किस में करते हैं, वेब पेज में, वेबसाइट में करते हैं। मगर अब क्या हो गया है, जब से नोड जेएस आया तब से हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ अब बैकएंड पे भी करने लगे हैं। क्लियर हो गया इतनी बात। तो जावास्क्रिप्ट बोलते हैं हम लोग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। दूसरा, जावास्क्रिप्ट क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। तीसरा पॉइंट क्या है, हाई लेवल, पता है सबको हाई लेवल, सुना होगा हाई लेवल सबने, है ना, प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी, हाई लेवल को बताएगा, हाई लेवल क्या होता है, हाई लेवल कोई बता दीजिए, हाई लेवल, हाई लेवल, बाकी लोग पढ़े नहीं हो, सुना तो होगा भाई, हाई लेवल बताएगा, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज सुना होगा ना। हाँ, बस सिंपल सा तो है, सबने पढ़े होंगे यार, बेसिक सा क्वेश्चन है, हाई लेवल लैंग्वेज है ना, वो लैंग्वेज। हाँ हाँ, सिंपल, यूजर फ्रेंडली मांगे चलो, सिंपल है, वो लैंग्वेज जो इंग्लिश वर्ड में लिखी जाती है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जो यूजर फ्रेंडली होती है। जैसे सिस्टम क्या समझता है, सिस्टम तो 01 समझता है ना। अब हम 01 में तो कोडिंग नहीं कर पाएंगे ना, तो हम लोग कोडिंग किस में करते हैं, जो कोडिंग बनाई गई है हाई लेवल लैंग्वेज, वो लैंग्वेज जो इंग्लिश वर्ड को यूज़ करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। क्लियर हो गया, जावास्क्रिप्ट क्या है, क्लाइंट, है ना। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है कि हमने जब सी पढ़ी थी तो सी के अंदर हम लोग डेटा टाइप यूज करते थे, इंटीजर, करैक्टर, फ्लोट, डबल, याद है,
तो वो हमें यहाँ पे यूज नहीं करने, हमें यहाँ पे डेटा भी यूज नहीं करने पड़ते। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट कि जब हम सी के अंदर प्रोग्राम रन करते थे, अभी पूरा काम करेंगे, जब हम सी के अंदर प्रोग्राम रन करते थे तो एक साथ इकट्ठी एरर आती थी और फिर आप उसको ठीक करते थे, याद होगा। मगर जब आपने पाइथन अगर पढ़ी होगी तो पाइथन में क्या होता है, लाइन बाय लाइन कोड चेक होते हैं, याद होगा। अगर आपकी लाइन नंबर 3 पे ही एरर आ जाएगी तो आपसे पहले क्या बोलेगा कि आपकी लाइन नंबर 3 पे एरर है, पहले आप इसको ठीक कर लो, है ना, पहले इसको ठीक करो फिर आगे बढ़ेंगे। सेम में क्या होता है, एकदम इकट्ठी एरर आ जाएगी और फिर उसको आप ठीक करते बैठ के। तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, लाइन बाय लाइन कोड चेक होते हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट लाइट वेट, बहुत हल्की, हम कम कोड में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाते हैं जावास्क्रिप्ट का। इसीलिए क्या हुआ, पहले जो फेसबुक था एचटीएमएल सीएसएस चलता था, तो अब फेसबुक पे जैसे जैसे ट्रैफिक आता गया तो फेसबुक थोड़ी स्लो होने लगी थी, जानते हो, फेसबुक धीमे धीमे क्या होने लगी थी, स्लो हो जाती थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा बैकएंड पे तो काम नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या करा, फ्रंट एंड भी काम करो। तो फिर उन्होंने क्या किया, जावा स्क्रिप्ट की मदद से उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई रिएक्ट। क्या किया उन्होंने, जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके एक लाइब्रेरी बनाई रिएक्ट। और फिर उन्होंने क्या किया, जो डिजाइनिंग वाला सारा काम था, जो फ्रंट एंड वाला, उन्हें पता था ना कि जावा स्क्रिप्ट फास्ट है, तो जो फ्रंट एंड वाला जो सारा काम था वो उन्होंने किसके अंदर रख दिया, रिएक्ट के अंदर। तो अब क्या होता है कि हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर डिजाइनिंग वाला काम करते हैं, जैसे अब रिएक्ट पढ़ोगे, है ना, तो अब इनमें देखोगे कि हम एक फंक्शन के अंदर एचटीएमएल के काम कर रहे हैं, है ना। तो पहले क्या होता था कि एचटीएमएल सीएसएस के अंदर हम जावा स्क्रिप्ट का काम करते हैं, जैसे अभी जो अपन करेंगे ना वो हम एचटीएमएल के अंदर जावा स्क्रिप्ट के कोड लिखेंगे, मगर जब रिएक्ट पढ़ोगे तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर अब एचटीएमएल के कोड लिखोगे। तो उससे क्या हो गया था, उनका फ्रंट एंड फास्ट हो गया। और दूसरा प्लस पॉइंट क्या हुआ कि उनकी वेबसाइट अब रिफ्रेश नहीं होती। आप लोग चलाते हैं फेसबुक तो कभी आप देखना वो रिफ्रेश नहीं होती, फ्लिपकार्ट देखो वो रिफ्रेश नहीं होती, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता था कि जावास्क्रिप्ट बहुत फास्ट चलती है। उन्होंने जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया, एक रिएक्ट लाइब्रेरी बनाई, रिएक्ट है, एंगुलर है, नोड जेएस है, एक्सप्रेस है, मोंगोडीबी है, तो ये सब किस पे बने हुए हैं, जावास्क्रिप्ट पे। हर कंपनी काम जावास्क्रिप्ट पे करती है। जब आप एक वेबसाइट बनाओगे तो उस वेबसाइट के अंदर आप जावास्क्रिप्ट जरूर यूज़ करोगे, वेरिफिकेशन लगाने के लिए तो करोगे ही करोगे, ठीक है। तो इतना बात समझ में आ गया, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को दो तरीके से यूज होगा, एक होगा इन पे जावास्क्रिप्ट और एक होगा एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जैसे सीएसएस नहीं होती एक्सटर्नल सीएसएस, ऐसी होती है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। तो हम जावास्क्रिप्ट को दो तरीके से यूज करेंगे, अब देखो कैसे, तो वो आप यहाँ पर देखें। ध्यान रखना, फिर कह रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट, MongoDB और नोड, ये तीन नहीं क्लियर हुए अच्छे से तो प्रोजेक्ट तो आप भूल जाना, और इन तीन में आपने छुट्टी मारी तो फिर आप भूल ही जाना कि आप कवर कर पाओगे चीज़ों को, ठीक है ना। ये तीन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। चलो अब देखो यहाँ पे सब लोग, तो मैंने यहाँ पे सिंपल एक, फिर बता रहा हूँ, सबसे पहले मैंने क्या किया, डेस्कटॉप पे गया, एक फोल्डर बनाया जावास्क्रिप्ट के नाम का डेस्कटॉप पर, और फिर उसको सबलाइन पर मैंने फाइल पे जाके ओपन फोल्डर कर लिया, और फिर मैंने यहाँ पे बनाई एक फाइल HTML नाम से, या जो भी नाम देना वो नाम दे दिया मैंने, ठीक है। फिर अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इन पे जावास्क्रिप्ट क्या होता है। तो ये HTML का टैग आ गया, जो मैंने अभी आपसे क्या बोला कि अभी हम जो जावास्क्रिप्ट का कोड करेंगे वो HTML के अंदर करेंगे, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, क्लाइंट साइड सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट एंड किया। अब फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा था, सबको याद होगा, क्या हो, याद है सबको, बताया था लास्ट कार्ड में, लास्ट क्लास याद होगी ना, प्रिंट करने के लिए अपन यूज करते हैं, प्रिंट करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करते थे। देखो देखो आगे हम लोग के, मतलब जैसे पाइथन में अपन प्रिंट का यूज करते हैं और जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट का, है ना। और एक होता है कंसोल डॉट लॉग का, कंसोल डॉट लॉग का यूज करते हैं। ये कंसोल कहाँ काम करेगा, हमारे स्पेक्ट एलिमेंट में, है ना। और अभी इसका आगे चल के सबसे ज्यादा हम यूज सी का करने वाले हैं, कंसोल का ही, ठीक है। देखो देखो एलिमेंट सीख चुके, सीएसएस सीख चुके, कंसोल सीखोगे अब, फिर नेटवर्क सीखोगे, फिर आगे चल के एप्लीकेशन सीखोगे, अभी इसी में बैकएंड में ये सब सीखोगे, है ना। ये परफॉर्मेंस कैसा होता है नेटवर्क में सीखोगे, एप्लीकेशन सीखोगे, जब अपन लोकल स्टोरेज डेटा स्टोर करेंगे, सेशन डेटा स्टोर करेंगे, कुकीज में स्टोर करेंगे, है ना, सीखोगे।
अब देखो कंसोल में आ गया, तो ये हमारा कौन सा होता है, ये हमारा होता है इन पेज जावास्क्रिप्ट, ये लिखा ना, ये होता है इन पेज जावास्क्रिप्ट। अभी कोई नोट नहीं करना, समझना, नोट करने का टाइम दूंगा, ये होता है इन पेज जावास्क्रिप्ट। अब आप बताए थे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, तो एक्सटर्नल के लिए हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक फाइल, एक बनाई फाइल बना ए डॉट जे एस नाम से, ए डॉट जे एस नाम से, ठीक है, एक बनाई फाइल मैंने ए डॉट जे एस, एक्सटर्नल जैसे एक्सटर्नल सी एस एस होता है ना वैसे ही, अब उसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे। ज्यादातर जावा स्क्रिप्ट को हम बॉडी के एंड में ही कॉल करते हैं, ठीक है, बताया था ना क्यों करते हैं, सब लोग पता है ना, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट हमारी सबसे एंड में लोड होती है, अगर हम पहले सारा कोड कर लेंगे तो फिर थोड़ी वेबसाइट हमारी स्लो हो जाती है लोड होने के टाइम पे, जबकि जावा स्क्रिप्ट यूज कब होगा, जब वेबसाइट लोड हो जाती है, तो ज्यादातर हम जावा स्क्रिप्ट के कोड बॉडी के एंड भी लगाते हैं। मैंने स्क्रिप्ट src लगाया सोर्स और लिख दिया मैंने a.js, ये हमारा कौन सा है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, ये हमारा कौन सा है इन पेज जावास्क्रिप्ट। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, सिंपल यही कॉपी कर लेता हूँ दोनों चीजें और यहाँ पे जाके पेस्ट कर लेता हूँ सिंपल सा, और यहाँ पे कुछ लिख दो हेलो 123 और यहाँ पे लिख देता हूँ 123। सेव किया, दोनों फाइलों को सेव करना पड़ेगा ना, फिर किया ब्राउजर पे आया मैं और रिफ्रेश कर लिया, देखो चल गई दोनों फाइलें, इन पेज भी चल गया एक्सटर्नल भी चल गया, इतना पॉइंट क्लियर हुआ, इतना पॉइंट क्लियर हुआ, बोलो बोलो हेलो। चलो अब पहले इतना नोट करो, बिल्कुल देखो बेसिक से चल रहा हूं, जिसने कभी प्रोग्रामिंग नहीं सीखी, जिसने कभी प्रोग्रामिंग पढ़ी नहीं है C++, तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, है ना। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, दिख रहा है, अब एक के अंदर अपन क्या स्टोर कर रहे हैं, अरे मौसम के चक्कर में हो रहे होगे, नेटवर्क से जा रहा है, अब सही आ गई बात, अब आ रही सही, बोलो अभी सही नहीं आई, अरे वो चल रहा ना आंधी तूफान, अब आ सही आ रही है, दो मिनट एक मिनट, अरे वो नेट चला ना आंधी तूफान के चक्कर में नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाते हैं, अभी दोबारा कर देता हूँ। चलो देखो तो हम बात करते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो वेरिएबल्स आप लोगों को पता है, इसके अंदर अपन वैल्यू स्टोर करते हैं, देखो डेटा वैल्यू, देखो अब स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को मेरी, स्क्रीन सो रही है अब, बाकी लोगों को एक मिनट सात आइटम लिए, तो क्या वो आपको 6-7 पन्नियां देता है अलग अलग से क्या, क्यों अगर देना चाहिए ना, तो सेम टाइप के एरे स्टोर होंगे तो, है ना, बोलो वो सब्जी वाला क्या करता है, एक थैले में सब रख देता है ना, होता ही नहीं होता है, एक थैला होता है उसमें सब सामान रख देता है, तो वो जो एक थैला है ना वो क्या है, एक वेरिएबल है एक एरे का, और उसी एक वेरिएबल के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीपल टाइप की सब्जियां स्टोर कर रहे हैं, उसी को हम लोग एरे कहते हैं, ठीक है ना। जब आप मार्केट में सब्जी लेने जाते हो तो सब्जी वाले एक पन्नी के अंदर, एक पॉलीथिन के अंदर आलू टमाटर भिंडी रख देता है, वही एक एरे, जो एक पन्नी है वो एक वेरिएबल है, उस पन्नी के अंदर जो मल्टीपल आइटम स्टोर किए गए हैं उसी को हम एरे कहते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में भी पाइथन में भी, ठीक है। देखो यहाँ पे 0.5 true, अब देखो इसको बोलते हैं एरे और पाइथन में इसको बोलते हैं लिस्ट, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, जो पढ़ते जा रहे हो ना पाइथन भी खोल लेना, सब तुम्हें सेम मिलेगा तरीका, बस कोड बदलते हैं, मतलब ये रहेंगे। देखो सब लोग, एक वेरिएबल ई नाम का एक वेरिएबल है, इसके अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर करने को हम एरे कहते हैं, आप देख पा रहे हो ना मल्टीपल टाइप का है, देखो सब लोग यहाँ पे, अब लिखा मैंने ई, प्रिंट किया ब्राउजर पे गया,
और यहाँ पे जाके रिफ्रेश किया, देखो प्रिंट होके आ गया, सब देख लो आगे प्रिंट होके साफ साफ देख लो, है ना। हमें यहाँ पे लेकिन लिखना पड़ा। अब एरे की इंडेक्सिंग वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होती है, जीरो से। एरे की इंडेक्सिंग वैल्यू जो स्टार्ट होती है ना, जीरो से स्टार्ट होती है। पहली डेफिनेशन क्या हुई कि एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर करने को हम लोग एरे कहते हैं, आपको दिख रहा होगा सामने। फिर दूसरा क्या होता है कि एरे की इंडेक्सिंग वैल्यू जो स्टार्ट होती है वो जीरो से होती है। देखो आपको दिखाता हूँ कैसे, अब मैं आपको एरे दिखाता हूँ कि वास्तव में कैसे काम करता है। ठीक है, अब मैं कंसोल में दिखाता हूँ सही तरीके से, अब आपको मालूम पड़ेगा कंसोल में। देखो एरे सही तरीके से दिखता कैसा है, कंसोल में आया, देखो दिख रहा है फोर लेंथ, देखो कितनी है अपनी एरे की, एक दो तीन चार है ना, तो लेंथ दिखा रहा है फोर। अब देखो खोल के देख लो, अब देख लो दिखा रहा है जीरो पे राम, वन पे ट्वेल्व, टू पे ये दिखा रहा है, थ्री पे ये दिखा रहा है, देखा सबने। तो इन चीजों जो दिख रहा है ना कंसोल, कंसोल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि देखो देख लो कंसोल दिखता कैसा, एरे दिखता कैसा है सही तरीके से देख लो, एरे ऐसा दिखता है ना। ये तो अभी सिंगल एरे है, अभी डायमेंशनल एरे देखोगे, एरे के अंदर एरे। तो चीजें दिखती कैसी हैं तो वो मैन समझना होता है मुझे। तो अब अगर मुझे मान के चलो ये प्रिंट करना है, ट्रू प्रिंट करना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या लिखूंगा ब्राउजर पे, ये वाला साइन लगाऊंगा और लिख दूंगा थ्री, है ना, ऐसे लिखूंगा एरे का साइन लगाऊंगा लिख दूंगा थ्री, तो क्या प्रिंट करेगा ब्राउजर पे, ट्रू प्रिंट करेगा ना। किसी मुझसे कहा कि राम प्रिंट करा दो, एरे के अंदर राम दिया है तो आप क्या लिखोगे, सिंपल सा वन लिख दोगे, उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू बना गया। क्या हाँ राम की जीरो नंबर गया, क्या पूरा पॉइंट क्लियर, एरे समझ आया है ना। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी जैसे मैं बैर अभी यूज कर रहा हूँ ना बैर, ये अब बैर यूज होते नहीं है, है ना, अब क्यों नहीं होते अभी समझाऊंगा आगे चल कभी। हाँ लेट या कॉन्स्टेंट यूज करेंगे अभी समझाऊंगा, फिर पता होना चाहिए पुराना, है ना। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आगे चल के हमें यूज करना होगा सबसे ज्यादा, ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे आगे चल के, ऑब्जेक्ट MongoDB में ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, हर जगह ऑब्जेक्ट यूज होगा, और ये उसकी पहचान होती है। दिख रहा है F नाम का ये, देखो जिस साइन दिख रहा है ये बन गया ऑब्जेक्ट का साइन, F नाम का एक ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर हम मल्टीपल टाइप के डेटा रख लेते हैं, इसमें तो हम ये रख पा रहे थे, इसमें ऑब्जेक्ट के अंदर हम देखो क्या क्या रख सकते हैं, आप देखना भी। अब देखो मैंने लिखा नेम कोलन, और नेम की वैल्यू थी राम। अब देखो ये प्रॉपर्टी है, ये उसकी वैल्यू है, पाइथन में इसको डिक्शनरी कहते हैं, पाइथन पढ़ी होगी ना, तो उसमें डिक्शनरी होता है, उसमें जो की होता है इसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो नेम हो गया, प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू। अब मुझे कोई नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है, तो मैं क्या लिखूंगा कॉमा लगा के, सिटी लिखी मैंने डबल कोट के अंदर। अब मुझे फोन नंबर ऐड करना है, तो ठीक है फोन नंबर ऐड कर लिया, ठीक है। तो जी मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर क्या ऐड किया, उसकी प्रॉपर्टी ऐड करी और उसकी वैल्यू ऐड करी। अब देखो मैं इसी ऑब्जेक्ट के अंदर एरे को भी ऐड कर सकता हूँ, देखो दिखाता हूँ एरे ऐड करके। देखो तो मैंने अब लिखा ITM नाम के बनाया एक एरे, देखो सब लोग ये साइन लगाया, लिख दिया यहाँ पे राज 1 2 3, देख पा रहे आप लोग, यहाँ पे कॉमा लगाना। देखो जब भी कोई नई प्रॉपर्टी ऐड करोगे ना ऑब्जेक्ट के अंदर, याद रखना सब लोग, तो यहाँ पे ये कॉमा लगाना होता है, ये कॉमा दिख रहे हो, जब भी कोई नई प्रॉपर्टी ऐड करोगे तो यहाँ पे आप कॉमा लगाओगे ऑब्जेक्ट के अंदर, और ये इसकी पहचान है, देखो यहाँ पे, ठीक है ना। देखो एरे आ गया। अब इसी ऑब्जेक्ट के अंदर हम फंक्शन रख सकते हैं, फंक्शन देखो फंक्शन रख ली मैंने,
फंक्शन पढ़ाऊंगा अभी आगे चल के, पर समझा रहा हूँ। देखो आप लोग देख पा रहे हो, हम एरे के अंदर सिंपल वही वैल्यू स्टोर कर पा रहे थे, मगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप प्रॉपर्टी भी रख सकते हो, एरे मल्टीपल एरे रख सकते हो, मल्टीपल आप फंक्शन रख सकते हो, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट और बना सकते हो, ठीक है ना। बहुत कुछ स्टोर कर सकते हैं अपन इस ऑब्जेक्ट के अंदर। आगे चल के जो हमारा पूरा जो MongoDB डेटाबेस है ना, पूरा इसी पे बेस्ड है, ऑब्जेक्ट पे, इसी पे। इसलिए पहले जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहा हूँ कि जब वहां पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। अब देखो इसको रन करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो इसको मैं थोड़ा कमेंट कर लूँ, क्योंकि अभी अभी इसको नोट भी तो करोगे आप। अभी नोट मत करना कोई, अभी नोट करने का टाइम दूंगा प्रॉपर तरीके से। अरे ये MIT इस कॉलेज का नाम है, ठीक है। मैं कुछ और नाम देता हूँ, ऐड नाम देता हूँ, ठीक है। ऐड, ठीक, कोई नाम दे दिया, ऐड नाम का बना दिया अपने फंक्शन, ये ऐड नाम का एक फंक्शन है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले मैं तुम्हें कंसोल में दिखाता हूँ ऑब्जेक्ट दिखता कैसा है कंसोल के अंदर, है ना। चलते हैं ब्राउजर पे, देख पा रहे, देखो सायनारा कर लिया किसका, इस पिक्चर को, जैसे वो देखा था नागिन, वो ना तो नागिन का नाग मर जाता है, वो अपनी आंखों में कैद कर लेती है चीजें। तो जो मैं कंसोल में दिखा रहा हूँ ना, इनको अपनी आंखों में कैद कर लो, क्योंकि ये चीजें आप बार बार देखोगे, है ना। जब डेटाबेस से डेटा उठ के आएगा ना, तो हम पहले कंसोल में चेक करते हैं डेटा उठ के आ भी रहा है कि नहीं आ रहा हमारा, फिर हम जाके वो डेटा ब्राउजर पर शो कराते हैं, है ना। तो अब देखो यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये चीज आप याद कर, देखो ऐड दिख रहा है फंक्शन, देखो यहाँ पे, ठीक है। देखो आइटम नाम का एरे दिख रहा है, इसके अंदर दिख रहे हैं 3 एलिमेंट। तो इन पिक्चरों को अपनी आंखों में बसा लो आप इस तरीके से। अब एक चीज देखो, हम ऑब्जेक्ट को ब्राउजर पे प्रिंट नहीं कर सकते, बोलो अब मैं सिंपल लिखता हूं यहाँ पे EF। अब एक देखना यहाँ पे पॉइंट, हम ऑब्जेक्ट को ब्राउजर पे डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर सकते। देखो आ गया, देखो मना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आ गया, ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट हम ब्राउजर पे प्रिंट नहीं कर सकते। अगर प्रिंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जेसन स्ट्रिंगी फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब इसको पूरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो भी आगे चलकर अपन सीखेंगे, ठीक है। पहले याद रखना कि हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ब्राउजर पर रन कर सकते हैं इस तरीके से। देखो एरर आपके सामने आ गई, मतलब मना कर रहा है कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप ऐसे प्रिंट कर सकते हो, आपको नेम प्रिंट करना है ना, नेम, तो आप ऐसे लिख सकते हो f.name, ऐसे तो नेम प्रिंट हो जाएगा। देखो ब्राउजर पे आ गया, क्या होता है पता है, जो अपना डेटा डेटाबेस से डेटा आएगा ना, वो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आता है। अभी जब काम करोगे ना बैकएंड पे, तो डेटा ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आता है, और फिर हमें टेबल में डिस्प्ले कराना होता है। तो अब मांगा जो डेटा हमने एफ में स्टोर कर लिया, और फिर हम इस तरीके से प्रिंट कराते हैं f.name, है ना। फिर इसी को कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया और लिख दिया f.city, है ना। इस तरीके से हम ब्राउजर पे प्रिंट कराते रहते हैं। यह लगा देता हूँ यहाँ पे, दोबारा देखो यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हम ब्राउजर पे शो कराते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कुछ बेसिक्स क्लास है ना, ये अगर गड़बड़ हो गई तो आगे वाला सब सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा आप लोगों का। अब देखो एरे प्रिंट करना है, तो अब देखो ये फंक्शन, ये ITM प्रिंट करना है, सिंपल लिख दो ITM, एरे प्रिंट करना है, तो आगे प्रिंट हो गया, ठीक है। अब फंक्शन करना है तो सिंपल f. फंक्शन का नाम ऐड। हमने ऐसा क्यों लिखा जानते हो, क्योंकि इसमें पहले से कंसोल हो रहा है ना, ये सब लोग इसको मैं डॉक्यूमेंट में क्यों लिखा, ये तो पता है ना, ये पहले से कंसोल यहाँ हो रहा है, इसलिए हाँ ये तो जानते हो ना, इतना कीजिए। तो मैंने कॉमा लगाया, ये लगा दिया, इसे नी लाइन पे आ जाए, अच्छा कंसोल में आ गया, देखो जी आ गया, लिख के आ गया आलू वाली, देख रहा हूँ आ गया आलू वाली लिख के। अगर ब्राउजर पे कराना चाहो अलर्ट लगा दो, अलर्ट अलर्ट में हेलो चेक कर दिया, अब तो अलर्ट आ जाएगा। देखो अलर्ट आ गया जी, ये सब जावास्क्रिप्ट से आते हैं, ठीक है ना, सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट से आती हैं। तो एक चीज़ देखिए आपने कि ऑब्जेक्ट के अंदर कितना, जी तो बहुत कम है, कितना भी टेस्ट हो कर सकते हैं, मगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ब्राउजर प्रिंट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है। इतनी कहानी क्लियर हुई जी डेटा आपकी,
ये हमारे क्या होते हैं, एक तरह के डेटा टाइप होते हैं क्या? हाँ अभी पढ़ेंगे ना, अभी तो बताऊंगा पूरे जी, जी सब टॉपिक हैं, जी सब टॉपिक हैं, एरे का टॉपिक होगा, ऑब्जेक्ट का पूरा टॉपिक होगा, है ना। जिस तो फिल्म का ट्रेलर चल रहा है अभी हम क्या देख रहे हैं कि डेटा टाइप क्या होते हैं बेटा, टाइप पढ़ रहे थे हम एक तरह के, और वेरिएबल्स क्या होते हैं हमने वो चीज़ समझाई, ठीक है। ये तो डिटेल में जाएंगे पूरा ना, चलो नोट करो। एक माइक बंद कर लो, माइक बंद। अब सर देखो, जो हम जो ऑब्जेक्ट लेते हैं ना, तो हम ये ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल टाइप का डेटा स्टोर कर लेते हैं, दिख रहा है आपको, एरे भी प्रॉपर्टी भी। तो जब हम कोई नई प्रॉपर्टी ऐड करते हैं ना, तो हमें ये कॉमा लगाना पड़ता है ऑब्जेक्ट के अंदर, याद रखना, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू, ये प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू, ये प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू, ये प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू है, ठीक है ना। क्लियर हुआ ना इतनी बात, प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू, प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू होती है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा एरे हो गया, ठीक है, इतना क्लियर हुआ फंडा। अब मैं एक नई फाइल पे आता हूँ। देखो यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे लिखा, अब एक चीज समझो पॉइंट। अब मैंने यहाँ लिया एक वेयर ए बराबर 10, फिर अपने क्या किया, डॉक्यूमेंट और राइट किया, लिख दिया इसके अंदर ए। अभी सबको पता है कि 10 प्रिंट करेगा, नॉर्मल सी बात है। देखो सबको मालूम है 10 ही आएगा, मगर अब अगर मैं फिर से लिखता हूँ वेयर ए इक्वल टू, अब क्या प्रिंट करेगा ए में, बोलो ना। अब ठीक है, क्लियर है ना, सही बात ये आएगा, चेक कर लेते हैं। देखो अब पॉइंट समझो, मान के चलो ए में जो 10 उठ के आ रहा था ना, आप भी मांगे चलो ये 10 डेटाबेस से आ रहा था, ठीक है, आप भी मांगे चलो ये 10 डेटाबेस से आ रहा था उठ के बैकएंड से। एक हम जैसे मांगे चलो रोहित ने क्या किया, रोहित कोडिंग कर रहा था, तो रोहित ने क्या किया, मांगे चलो रोहित ने एक वेरिएबल लिया ए नाम का, जिसके अंदर 10 स्टोर कर दिया और ब्राउजर पे उसने शो करा दिया 10, ठीक है, क्लियर। अब कोई नया डेवलपर आया या कोई नया बंदा आया, उसने क्या किया, उसने देखा नहीं कि ए पहले से डिफाइन है, उस बंदे ने क्या नहीं किया, देखा नहीं कि ए डिफाइन पहले से ही है, तो वो भी आया, उसने क्या किया डेटाबेस डेटा लाया और ए में स्टोर करा दिया, तो क्या हो गया यहाँ पे, रिप्लेस हो रहा है डेटा, है ना। अब कोई नया बंदा आया, कोई नया बंदा आया, वही दो तीन लोग काम करते प्रोजेक्ट पे, या हम ही भूल गए, हमने फिर ए ले लिया, उसमें कर दिया राम को स्टोर, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, राम स्टोर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है, फिर बताओ। अब मान के चलो जब आप गूगल पे फोन पे चलाते हो, है ना, तो उसमें आपका डेटा उठ के आता है, आपके सामने डेटा शो होता है, तो वो भी किसी वेरिएबल में रखा गया होगा, आपको दिखा रहा होगा डेटा, है ना, दिखता है ना आपका अमाउंट। अब मान के चलो आपका डेटा, आपको जो अमाउंट दिखता है वो ए में दिख रहा होगा, ठीक है, वहाँ पर वेरिएबल यूज़ किया होगा। अब कोई नया बंदा आए, वो ए को यूज़ कर ले, उसमें कुछ और डाल दे मान के चलो 1 अरब करोड़ कुछ डाल दे, ऐसे कुछ कर दे, राम फार्म लिख दे, और तुम बैलेंस चेक करो और तुम्हारे में लिख के आ जाए राम, तो आप क्या सोचोगे, ये क्या हुआ, लगेगा सदमा, 0 कैसे हो गया, 1 कैसे हो गया, आएगा ना मन में, है ना। तो जब हम डेटा बेस से डेटा लेके आते हैं, तो कभी जो हमने ए में के अंदर अगर मैं 100 स्टोर कर लिया ना, फिर ए के अंदर कुछ और स्टोर होना नहीं चाहिए। पॉइंट समझा रहा है मेरा आप लोगों को, तो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पे, है ना। अब हम इसको बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। इसके बाद एक होता है लेट, यहाँ लिखा मैंने, मान के चलो बी इक्वल टू लिखा मैंने 10। अब लेट की कहानी सुनो, ब्राउजर पे गए, 10 प्रिंट हुआ, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहा है। लेट लिया बी इक्वल टू राम प्रिंट हो रहा है, चेक करते हैं राम आ रहा कि नहीं आ रहा। देखो अब जब कुछ नहीं आया तो इसका मतलब क्या हुआ, एरर आ गई ना, तो कंसोल जाकर चेक कर सकते हैं अपन सीधा, क्या कह रहा है वो, वी हैज ऑलरेडी गेट, मतलब बी पहले से डिक्लेयर है, तो अब सामने वाला क्या समझ जाएगा, बी डिक्लेयर है, बी को यूज नहीं करना। अब अगर सामने वाला क्या करेगा, ऐसा ना यूज करके वो ऐसा यूज कर ले, तो ऐसे यूज कर ले तो चल गया,
ठीक रहा है? तो ये भी कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाएगा ना सी में। सी से क्या मतलब है? लो सी से क्यों कोई कनेक्शन होगा? सी पे वेरिएबल नेम भाई, लो हाँ, मगर लेट लगा देंगे तो नहीं करेगा ना, अगर लेट लिख देंगे तो नहीं चलने देगा वो, है ना? आठ समझ आ रही है? तो अब तो ये भी कहीं ना कहीं दिक्कत देगा जब डेटाबेस से डेटा आएगा। ये मैं किसके लिए समझा रहा हूँ कि जब डेटाबेस से डेटा लेके आएंगे कोई भी चीज़ रिक्वायर करेंगे, है ना? अब जो सबसे मेन होता है, जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करेंगे, कॉन्स्टेंट। ठीक है, मैंने लिखा डी इज इक्वल टू 10। कॉन्स्टेंट समझते हो? जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो। कहना आया, फिर हमने इसी को कॉपी किया, नीचे आया और कर दिया 100। अब देखते हैं क्या देगा एरर। एरर दे गया, सेम एरर। तो हमने क्या किया, इसको कमेंट किया और यहाँ सिंपल लिखा 10। अब चेक कर लेते हैं हमारी एरर क्या नहीं आ रही है। देखो अभी भी एरर देने लगा हो, सब देख पा रहे हैं अभी एरर दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, अगर आपने कॉन्स्टेंट यूज किया और डी के अंदर आपने 10 डिफाइन कर दिया तो फिर अब डी के अंदर 10 ही रहेगा, कुछ और डिफाइन नहीं हो सकता। तो हम कौन से यूज करेंगे ज्यादातर? हाँ ज्यादातर हम कॉन्स्टेंट के यूज करते हैं। लेट का यूज बहुत ही कम करते हैं, सिंपल जब डेटाबेस को डेटा बेटा लेके नहीं आना होता है तो, ठीक है ना? अब वैसे 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 तो देखो, वैसे तो हम कोई ऐसे लिखते नहीं हम लोग इस तरीके से जो काम करते हैं तो, ठीक है, लिखेंगे तो लेट फेड लेके लिखते हैं। और 99% हम लोग जब काम करेंगे ना बैक एंड पर तो कॉन्स्टेंट पे ही चलता है पूरा, क्योंकि हम नहीं चाहते रिक्स देना। हाँ सिंपल, यहाँ पर मेन चीज हम यूज करेंगे कॉन्स्टेंट वाला पार्ट यूज करेंगे। ठीक है, कॉन्स्टेंट क्यों यूज करें ये बात समझ आ रही है? और अभी धीमे धीमे और समझ में आता जाए जब काम करते जाओगे तो, जब तुम डेटा बेस से डेटा लेके आ रहे हो ना, इसमें स्टोर कर रहे होगे और मैं किसी और में कर दूंगा, फिर पंगा होगा, ठीक है ना? इसलिए हम इसको कॉन्स्टेंट में लेके चलते हैं। इसको लिख लो, तो वेर तो यूज होना बंद ही हो गया, वेर तो यूज ही नहीं होता, हट ही गया बिल्कुल, ठीक है ना? चल हमारा इसलिए ज़्यादातर, हाँ पहले चलता था, अब बंद ही हो गया, ठीक है ना? हाँ पुराना हो गया। अब हम जो पढ़ते हैं ना ES6 वाला पार्ट पढ़ते हैं, ES6 और ES7 पढ़ते हैं, रखना ES7 इक्वा स्क्रिप्ट पढ़ते हैं हम लोग, ES7 एडवांस वाली चीज़ें, ठीक है? अब जैसे बहुत से लोग अब रिएक्ट यूज़ कर रहे होंगे, है ना, अब नेक्स्ट आ गया, रिएक्ट का फ्रेमवर्क आ गया, तो हमें अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा कि मार्केट में चल क्या रहा है। नोट कर लो इसको, है ना? इतनी कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई आज की?